डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.1 का सोल्यूशन चल रहा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से सोल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एवं रेखा एक्स इक्वल टू 4y-2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ इस क्वेश्चन में एक वक्र दिया हुआ है, यानी एक फंक्शन दिया हुआ है और एक रेखा दी हुई है। हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था कि अगर एक रेखा दी हुई हो और एक वक्र दिया हुआ हो तो उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों को लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात होने के बाद फिर ग्राफ ड्रा करेंगे, तब उसके बाद जो है उसका एरिया निकालेंगे। तो दिया हुआ क्या है, वक्र का समीकरण x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, रेखा का समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे, रेखा का समीकरण x इज इक्वल टू 4y-2 इसको हम 2 मान लेंगे। अब उसके बाद दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो आसानी के लिए इसे हम क्या कर सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या y इक्वल टू x स्क्वायर y4, ये क्वेश्चन नंबर बात एक ही है, ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2y4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। y1 and 2 समीकरण 1 तथा 2 से आप देखिए सॉल्व करना है, तो बाएं पक्ष वाई है तो दाहिने पक्ष बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y4, तो 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया, सबको एक तरफ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का इसका फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के एक पेयर बनाएंगे, इसका पेयर जो हो जाएगा, ठीक है एक पेयर बन जाएगा, इसमें x कामन है, इसमें 1 कामन है, x कामन लेंगे तो x माइनस 2, 1 कामन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के, एक्स माइनस 2 कामन है तो आ गया एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 1। एक्स की दो वैल्यू आ गई, 1, 2 और माइनस 1 के। अब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे समीकरण नंबर 1 में, जब एक्स इज इक्वल टू 2 तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 यानी 2 स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है, इम्प्लाइज दैट प्रतिच्छेद बिंदु 1 आ गया, 2 1। फिर जब x इक्वल टू माइनस 1 या इकट्ठे लिख लेंगे इसको, एक ही बात में लिख लेंगे, जब x इक्वल टू माइनस 1 तो y इज इक्वल टू समीकरण 1 से माइनस 1 का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर x बराबर 2 पर y इज इक्वल टू 1 आ गया, और x बराबर माइनस 1 पर y इज इक्वल टू 1/4 आ गया, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु बराबर 2 पर 1 आया है यानी 2,1 तथा -1 पर 1/4 आया है -1, 1/4। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो गया। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y ये पैराबोला का
पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला कैसा है? लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, एक अपवर्ड, अपवर्ड माने ऊपर की तरफ पैराबोला है जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाई एक्सिस के सममित सिमेट्रिक सममित जिसका शीर्ष बराबर जिसका शीर्ष क्या होगा मूल बिंदु होगा यानी जीरो जीरो होगा। इस चीज को यहां हमने लिख लिया, आप चाहो तो यहीं पर भी लिख सकते हो इस चीज को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम ग्राफ खींचते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? टू वन माइनस वन बाई फोर, तो पॉइंट आ कर ले रहे हैं टू वन ए वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, हो जाएगा वन टू थ्री माइनस वन और माइनस टू, और यहाँ पर हो जाएगा वन और ये हो जाएगा टू। तो टू वन, तो टू के ऊपर और वन यहाँ पर है, ये हो गया हमारा टू वन हो गया। और माइनस वन वन बाई फोर, माइनस वन वन बाई फोर, वन बाई फोर का मतलब ये हो गया हमारा जीरो, इसके बीच वन बाई फोर ये यहाँ कहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन वन बाई फोर। अब पैराबोला जो बनेगा इस तरह बनेगा, हमारी रेखा जो होगी इसको मिला दें तो रेखा का समीकरण हो जाएगा पैराबोला पहला बोला होगा। ये हमारा हो गया, इसको मिला दे रहे हैं, ये हो गया पैराबोला। पैराबोला का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई फोर। और रेखा हमारी क्या है? रेखा जा रही है टू वन से, टू वन और माइनस वन बाई फोर, यानी यहाँ से। इसका नाम हमने डाल दिया ए डाल दिया, और इसका नाम डाल दिया हमने बी डाल देना इसका, ये हो गया बी, इंटरसेक्शन पॉइंट है माइनस वन कामा वन बाई फोर, इसको मिला देंगे आप ये हमारी रेखा का समीकरण हो गया। रेखा हमारी क्या है?
x इक्वल टू 4y माइनस 2 या y इक्वल टू x प्लस 2 बाई 4, ये हो गई रेखा y इक्वल टू x प्लस 2 बाई 4। हमको क्या करना है, इस वक्र और इस रेखा के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये वाला एरिया हमको निकालना है, शेडेड पोर्शन। एरिया कहां से कहां तक है, आप देखो रेखा का समय x इक्वल टू, यहां पर देख रहे हो x इक्वल टू एक रेखा है जी, एक रेखा ये हो जाएगी जिसका समीकरण होगा एक कोटी है x इक्वल टू 2, और एक रेखा देखिए माइनस 1 पर ये हो गया, इसका समीकरण हो गया x इक्वल टू माइनस 1। हमको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ये रेखा हमारी है और ये वक्र है, रेखा और वक्र के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे आप देखिए वक्र जो है x एक्सिस के अलोंग है और रेखा भी x एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब कोई dx हम लेंगे x एक्सिस पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेखा y इक्वल टू x प्लस 2 बाई 4 और रेखा x इक्वल टू माइनस 1, रेखा x इक्वल टू 2 और रेखा ये रेखा कौन रेखा x एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से ये वक्र और ये रेखा और x एक्सिस से घिरे हुए क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, हमारा जो है रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अच्छा, इसका a नाम रखा हमने, इसका b नाम रखा है, इसका नाम रख दे रहे हैं c, इसका हम रख दे रहे हैं नाम, इसका d रख दे रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है, अब देखिए अभी क्षेत्रफल बराबर, इसको हम आपको ऐसे समझा दे रहे हैं, इस फिगर को अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर ए बी ओ ए का क्षेत्रफल, यही निकालना है। अभी कैसे निकलेगा, रेखा के नीचे का क्षेत्रफल यानी ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल माइनस अब वक्र जो हमारा है इसके नीचे का क्षेत्रफल ए ओ बी सी डी ए का क्षेत्रफल, ये हमको निकालना है। ए बी सी डी ए क्या चीज है वक्र, इसको हम लिख दे रहे हैं दिस इज इक्वल टू वक्र y इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई 4 कामा रेखा x इज इक्वल टू माइनस 1 कामा x इज इक्वल टू 2 कामा x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल माइनस, अब इस वक्र यानी वक्र, ये वक्र क्या है x स्क्वायर बाई 4, वक्र y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 कामा x इक्वल टू माइनस 1 कामा x इक्वल टू 2 कामा x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, ये इसका मतलब हुआ। दिस इज इक्वल टू अब वक्र x प्लस 2 इज इक्वल टू बाई 4 यानी वही रेखा है, ये वक्र नहीं बल्कि रेखा कहेंगे इसको, ये रेखा है ये वक्र और ये भी रेखा x इक्वल टू माइनस 1,
अब इसकी वेरिएबल x है, dx होगा, कहां से चेंज करती है, x बिलोंग्स टू माइनस वन टू, x बिलोंग्स टू माइनस वन टू, ये हमारी हो जाएगी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस वन टू टू y dx, यानी x प्लस टू बाई फोर dx माइनस वन माइनस वन टू टू। अब इस वक्र का यानी x स्क्वायर बाई फोर, ये हमारा x स्क्वायर वक्र है, x स्क्वायर बाई फोर dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों की सेम है इसलिए इकट्ठा कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन टू टू एक्स प्लस टू बाई फोर, अच्छा वन बाई फोर बाहर भी ले लेंगे, वन बाई फोर बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस टू बाई फोर एक्स प्लस टू बाई फोर, ऐसे लिख ले रहे हैं, एंड माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर और हो गया डी एक्स की। अब वन बाई फोर बाहर ले ले रहे हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करते रहे, या अभी बाद में करते हैं, तो हो जाएगा माइनस वन टू टू एक्स प्लस टू एंड माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू वन बाई फोर एक्स प्लस टू का इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू एंड प्लस टू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री फ्रॉम माइनस वन टू टू के। दिस इज इक्वल टू वन बाई फोर लगा दो, दो दूनी चार बटे दो, यानी दो हो गया, प्लस दो दूनी चार माइनस दो दूनी चार दूनी आठ बटे तीन एंड माइनस, अब माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन बाई टू, फिर माइनस टू एक्स, फिर माइनस वन का होल क्यूब माइनस वन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन बाई, ये तो आ जाएगा माइनस टू और प्लस वन बाई थ्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। दिस इज इक्वल टू वन बाई फोर, चार दो छः, छः माइनस आठ बटे तीन, तो तीन छक अट्ठारह, तीन छक अट्ठारह माइनस आठ दस बटे तीन हो जाएगा, फिर माइनस ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं तो या ब्रैकेट खोल लेते हैं, देखते हैं क्या बन जाएगा, माइनस प्लस वन बाई टू हो जाएगा, फिर प्लस टू बन जाएगा, फिर माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा। अच्छा दिस इज इक्वल टू वन बाई फोर, तो टेन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा सेवन बाई थ्री, और वन बाई टू प्लस टू प्लस फाइव बाई टू हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू वन बाई फोर तो हो जाएगा, लघुत्तम ले रहे हैं, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः और दो सत्ते चौदह प्लस दो तिहाई छः, तीन पचे पंद्रह, तो हो गया पंद्रह चार उन्नीस दस उनतीस बटे छः चौ चौबीस, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, चेक कर लेते हैं एक बार और। इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस टू बाई वन बाई फोर हमने कॉमन ले लिया, इसका हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, अपर लिमिट टू है लगा दिया। अच्छा देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई, नहीं ठीक है, टू का स्क्वायर यानी फोर हो गया, फोर बाई टू टू हो गया, दो दूनी चार हो गया, दो दूनी चार दूनी आठ बटे तीन हो गया, फिर माइनस करके माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस होगा वन बाई टू, देखिए मिस्टेक मिल गई, और माइनस टू, टू इंटू माइनस वन तो माइनस टू, फिर माइनस वन का होल क्यूब माइनस वन तो प्लस वन बाई थ्री हो गया, ठीक है। तो टू प्लस फोर सिक्स हो गया, तीन छक अट्ठारह माइनस आठ दस बटे तीन हो गया, एंड माइनस वन बाई टू ये माइनस वन बाई टू रहेगा, एंड प्लस टू ठीक माइनस वन बाई थ्री, तो टेन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री सेवन बाई थ्री हो गया, और टू माइनस हाफ तो कितना हो जाएगा
टू माइनस हाफ यानी थ्री बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा थ्री बाई प्लस थ्री बाई टू के। एलसीएम छः हो गया, तीन पचे पंद्रह, तीन दूनी छः, तीन दूनी सात, दूनी चौदह, दो तिहाए छः, तीन तिहाए नौ आ गया हमारा। तो चौदह नौ तेईस बटे चार सौ चौबीस। तो टेन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू नाइन बाई थ्री होगा। देखिए मिस्टेक हो गई यहाँ पर थोड़ा सा, नाइन बाई थ्री और माइनस वन बाई टू प्लस टू तो थ्री बाई टू हो गया। एलसीएम तीन दूनी छः हो गया, तो तीन दूनी छः दो नौ अट्ठारह हो जाएगा, दो तिहाए छः, तीन तिहाए नौ, अट्ठारह नौ सत्ताईस बटे छः, तो वन बाई फोर इंटू अट्ठाईस बटे अट्ठारह नौ सत्ताईस बटे सत्ताईस अपान सिक्स हो गया। तो दिस इज इक्वल टू तीन दूनी छः, तीन नवा सत्ताईस बराबर नाइन अपान एट वर्ग इकाई। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप यहाँ मेन चीज फिगर है, आपको फिगर ड्रा करने में बहुत ही प्रिकॉशन लेना है। रेखा और वक्र दिया हुआ था हमने, इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु का कर लिया, उसके बाद परवलय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है तो अपवर्ड होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम हो गया तो हमने रेखा ड्रा कर लिया और पैराबोला खींच लिया। उसके बाद फिर हमने क्षेत्रफल किसका निकालना था, रेखा और परवलय के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने क्या किया, रेखा ए बी के नीचे वाला क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर माइनस परवलय जो ए बी है इसके नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर पूरे में से नीचे वाला क्षेत्रफल माइनस कर दिया और उसके बाद जो है शेडेड पोर्शन यानी रिक्वायर्ड एरिया हमारा मिल गया। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x, रेखा x इक्वल टू 3। वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको हम 1 मान लेंगे, तथा रेखा x इक्वल टू 3 ये मान लिया 2। तो लिखेंगे वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x एक्सिस के एलांग जो है सिमेट्रिक है, x अक्ष के अनुदिश सममित है। एक y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक परवलय है जो कि एक परवलय है, लिखेंगे एक पैराबोला यानी परवलय है जो कि x अक्ष के अनुदिश सममित सिमेट्रिक, जिसका शीर्ष बराबर 0 0। अब क्या करेंगे, हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात कर लेंगे बाई समीकरण 1 तथा 2 से। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, x की वैल्यू पुट कर देंगे उसमें,
y square is equal to 4 into 3 is equal to 12, therefore y is equal to 4 3 है 12, इसका root plus minus 2 root 3 के, तो x is equal to 3 पर एक बार positive value आएगी एक negative value, therefore प्रतिच्छेद बिंदु बराबर intersection point यानी प्रतिच्छेद बिंदु बराबर 3 कामा 2 root 3 तथा 3 कामा माइनस 2 root 3 के। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। परवलय हमारा y square equal to 4x है जो x अक्ष के अनुदिश होगा। x x dash and y y dash और इसका ओरिजिन है, ये परवलय ऐसे होगा लाइक दिस। ये हमारा है y square equal to 4x implies that y is equal to लिख सकते हैं 2 root x, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया y is equal to 2 root x, रेखा x equal to 3 है, ये हमारा हो गया 1 2 3 1 2 3, तो 3 root 2 3 इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 0, और ए है ए बी, इसको हम सी मान लेते हैं, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 3 कामा 2 root 3, ये हो जाएगा 3 minus 2 root 3। हमको क्या करना है, परवलय y square is equal to 4x और रेखा x is equal to 3, ये हमारी रेखा है, ये भी रेखा x is equal to 3, तो रेखा और परवलय के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी हमको ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप जानते हो x एक्सिस के ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, तो हम क्या करेंगे x एक्सिस के ऊपर वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक dx ले लेंगे यहाँ पर, जैसे कि पहले बताते हैं ये dx हमारा हो गया, इसकी चौड़ाई ये हो जाएगा y, वैरी कहाँ कर रहा है 0 से लेकर के 3 तक, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, यानी x बिलोंग कर रहा है 0 टू 3। तो लिखेंगे वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कामा रेखा x इज इक्वल टू 3 तथा रेखा x इक्वल टू 3 से घिरा क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AOBA का क्षेत्रफल, और AOBO का क्षेत्रफल क्या ले सकते हैं इसको, twice into AOCA, this is equal to twice into AOCA का क्षेत्रफल। AOCA का क्षेत्रफल यानी this is equal to twice into y is equal to 2 root x comma x is equal to 0 comma x is equal to 3 comma x अक्ष
से घिरा क्षेत्रफल, ये मतलब है। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू थ्री, जीरो टू थ्री, वाई इक्वल टू टू रूट एक्स है, तो टू रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, ये बाहर ले लेंगे तो टू इंटू टू हो जाएगा, यानी टू इंटू टू इंटीग्रेट कर देंगे एक्स पर थ्री बाई टू अपान थ्री बाई टू फ्राम जीरो टू थ्री के। दिस इज इक्वल टू ये दो बटे तीन हो जाएगा, तो दो दूनी चार दूनी आठ, एट बाई थ्री हो गए यहाँ पर, और एक्स की वैल्यू थ्री है तो थ्री टू दी पावर थ्री बाई टू, थ्री टू दी पावर थ्री बाई टू माइनस जीरो के। दिस इज इक्वल टू एट बाई थ्री, थ्री टू पावर थ्री का क्या हो जाएगा, तीन तीन होते हैं सत्ताईस, सत्ताईस का वर्गमूल स्क्वायर रूट यानी थ्री रूट थ्री। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री रूट थ्री के। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा एट रूट थ्री, थ्री थ्री कैंसिल हो गया तो आ जाएगा एट रूट थ्री वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन 12 और 13 के लिए इंस्ट्रक्शन है, कह रहे हैं कि जो है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एवं रेखाओं x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चेक करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये वृत्त का समीकरण है तो इससे क्या निकल जाएगा, इम्प्लाइज दैट केंद्र इज इक्वल टू जीरो जीरो और त्रिज्या इज इक्वल टू ए टू आ जाएगी, ठीक है। और रेखा क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू टू, तो हमको उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल चेक करना है। यहां से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे वाई की वैल्यू निकाल लें, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। रेखा का समीकरण क्या है, ये तो हमारा वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण दिया हुआ था। और रेखा हमारी कौन कौन है, रेखा x इक्वल टू जीरो है एंड x इक्वल टू टू। आइए खींचते हैं, ये हमारा वृत्त है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसका ये सर्किल है ओ यानी जीरो जीरो, यही कह रहे हैं। तो अब देखिए इसका वृत्त प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में हमारा इसी का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे वृत्त का नहीं निकालना है। अब वृत्त का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर या वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये वाई इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी त्रिज्या है दो तो ये हो जाएगा ए यानी टू जीरो, यहाँ पर नाम डाल दिया इसका
बी के, हमको यही निकालना है एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। क्या करेंगे और कह रहे हैं एक्स इजिकल टू जीरो, तो ये रेखा हमारी जो वाई एक्सिस है यही एक्स इजिकल टू जीरो का समीकरण है, और इसका जो समीकरण आ जाएगा रेखा ये हो गया एक्स इजिकल टू टू, एक्स इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू टू और वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर ए बी ओ ए, ए बी ओ ए का क्षेत्रफल है क्या चीज, ये है वक्र y इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर कामा रेखा रेखा x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू, x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, इसका मतलब यही चीज। तो x वैरी कर रहा कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू जीरो टू टू, तो लिमिट हमारी यही हो जाएगी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टू वाई डी एक्स, ऐसे डी एक्स हो गया हमारा, ये डी एक्स हो गया और ये हो गया वाई डी एक्स, और लिमिट जीरो टू टू के, दिस इज इक्वल टू जीरो टू टू वाई मीन्स रूट एस फोर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फार्मूले से इसको इंटीग्रेट कर देंगे दिस इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू, एक्स बाई हो जाएगा टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी फोर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यानी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर टू है यानी ए स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर यानी फोर फोर बाई टू एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए यानी एक्स बाई टू के फ्रॉम जीरो टू टू। अब लिमिट लगा लेंगे दिस इज इक्वल टू, जब लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट बाय लगाएंगे तो हो जाएगा फोर माइनस फोर यानी पूरा जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा एंड प्लस फोर बाई टू यानी टू साइन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा वन एंड माइनस जीरो रखेंगे तो जीरो बन जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा पूरा जीरो बन जाएगा ठीक है। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई टू, बाकी सब जीरो हो गया, टू इंटू पाई बाई टू इज इक्वल टू 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 कैंसिल हो गया तो पाई, तो हमारा कौन सा विकल्प सही है पाई यानी पहला विकल्प सही है, देयरफॉर विकल्प विकल्प ए सही है। क्लियर, चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 है वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई अक्ष एवं वाई इक्वल टू थ्री से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 वक्र का समीकरण है वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स जो कि इसको कॉमन मान लेंगे जो कि एक पैराबोला है एक परवलय है तथा पॉजिटिव एक्स अक्ष के अनुदिश सममित सिमेट्रिक सममित ठीक है, तो
तथा जिसका शीर्ष, जिसका वर्टेक्स शीर्ष इज इक्वल टू जीरो जीरो। रेखा क्या है? रेखा वाई अक्ष में वाई इक्वल टू थ्री से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रेखा का समीकरण वाई इक्वल टू थ्री, ठीक है। चलिए ग्राफ खींचते हैं। एक्स एक्स डैश और हमारा वाई वाई डैश है। फॉर्मूला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, यानी ये सेंटर हमारा है ओरिजिन, कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरीके से ये हमारा परवलय हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, क्या कह रहे हैं? वाई अक्ष वाई इक्वल टू थ्री से घिरे क्षेत्रफल क्या, ये हमारा वाई अक्ष है और वाई इक्वल टू थ्री से घेरा, तो वाई इक्वल टू थ्री यहाँ कहीं होगा। अगर वन है ये टू है, यहाँ पर थ्री है, तो ये रेखा ये हो गया समीकरण हमारा वाई इक्वल टू थ्री, ये हो गया वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका निर्देशांक हो जाएगा, इसका नाम डाल देते हैं कुछ ए, इसका निर्देशांक हो जाएगा थ्री जीरो कामा, ये हो गया जीरो कामा थ्री। हमको एरिया क्या निकालना है? हमको ये एरिया निकालनी है, ये एरिया निकालनी है एरिया। तो क्या करेंगे इस पे? यहाँ पर एक पतली सी पट्टी लेंगे, जैसा कि आप जानते हो, जिसकी चौड़ाई क्या होगी डी वाई, इसकी क्या होगी लंबाई क्या होगी यक्स, इसका एरिया क्या होगा पट्टी का यक्स डी वाई होगा। तो पूरे का एरिया क्या हो जाएगा फ्रॉम जीरो टू थ्री यक्स डी वाई। तो इसका मतलब फंक्शन जो हमारा था वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर यक्स, इससे हम यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इम्प्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई फोर, क्योंकि हम वाई एक्सिस के एलांग ले रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो हमारा ये हो गया फंक्शन, हमारा हो गया यक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई फोर। क्या निकालना हमको? इसका नाम डाल देंगे ओ ए, इसका नाम डाल दिया हमने बी के, तो ओ ए बी, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। अभी क्षेत्रफल बराबर, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर वक्र एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई फोर कामा रेखा वाई इक्वल टू जीरो कामा वाई इक्वल टू थ्री तथा वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हमको। दिस इज इक्वल टू इन सिंबल ओ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू, क्योंकि जीरो थ्री वाई बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो टू जीरो थ्री, जीरो टू थ्री ये हमारी लिमिट हो जाएगी, एंड वाई एक्स हो जाएगा एक्स एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो टू थ्री वाई स्क्वायर बाई फोर डी वाई, वन बाई फोर बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे वाई स्क्वायर का, तो वाई क्यूब बाई थ्री फ्रॉम जीरो टू थ्री, वन बाई थ्री बाहर ले लेंगे तो वन बाई ट्वेल्व हो जाएगा, एंड थ्री टू द पावर थ्री माइनस जीरो। दिस इज इक्वल टू तीन 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 नौ क्या सत्ताईस, सत्ताईस बटे हो जाएगा बारह के, कुछ कटेगा तीन नौ सत्ताईस, तीन चौके बारह दे जाएगा नाइन अपान फोर वर्ग इकाई। तो कौन सा विकल्प सही है? देखिए नाइन बाई फोर है कि नहीं है, है हमारा, अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है। क्लियर? इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 हमारी आज कंप्लीट हो गई। क्लियर?